हमारी बिटिया ने एक महीने पहले बताया था कि पापा हमारे दो टीचर ना स्कूल के जो हमको SST पढ़ाते हैं वो ना मेरा शरीर टच करते रहते। पापा मुझे ना उनसे बहुत डर लगता है, मुझे ना ऐसा लगता है वो लोग फेल कर देंगे। जी हाँ, दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली 15 साल की छात्रा की खुदकुशी के मामले में परिवार स्कूल को दोषी बता रहा है। परिवार का आरोप है कि बच्ची ने कम नंबर और टीचर्स द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर ऐसा कदम उठा लिया। नोएडा सेक्टर 24 पुलिस ने देर रात दो स्कूल टीचर्स राजीव सहगल और नीरज आनंद के अलावा प्रिंसिपल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर लिया है। बच्ची के पिता ने कहा कि उनकी बच्ची ने उन्हें ये बताया था कि उसके SST टीचर उसे गलत तरीके से टच किया करते थे। उन्होंने कहा कि वो बहुत डरी हुई थी और उसने कहा था कि चाहे जितना अच्छा वो लिख ले वो लोग उससे फेल कर देंगे और आखिरकार SST में वो सच में फेल हो गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS में इन दिनों अंदर ही अंदर एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। संघ की नागपुर लॉबी को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जिस रफ्तार से बड़े हो रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाए। यही वजह है कि मोदी की लाख कोशिशों के बावजूद संघ के सहकार्यवाह के पद पर दत्तात्रेय होसबले की नियुक्ति नहीं हो पाई। होसबले की जगह सुरेश जोशी उर्फ भैया जी जोशी यथावत रहे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सहकार्यवाह के पद पर दत्तात्रेय विराजमान हो जाएं, लेकिन संघ की नागपुर लॉबी दो बार मोदी की इन कोशिशों को गच्चा दे चुकी है। देश में सबसे ज्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में रहते हैं। सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में भारत में भिखारियों की संख्या के बारे में जानकारी दी है। देश में इस वक्त कुल 4,13,760 भिखारी हैं, जिनमें 2,21,663 भिखारी पुरुष और बाकी महिलाएं हैं। इस लिस्ट में टॉप पर पश्चिम बंगाल और दूसरे नंबर पर है यूपी, तीसरा नंबर बिहार का है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भिखारियों की संख्या काफी कम है। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक विवादों में घिर गया है। दावा किया जा रहा है कि फेसबुक पर करीब 5 करोड़ यूजर्स की निजी जानकारियां लीक कर दी गईं, जिसका फायदा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम करने वाली फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका ने उठाया। आरोप है कि फर्म ने वोटर्स की राय को मैनिपुलेट करने के लिए फेसबुक यूजर्स के डेटा में सेंध लगाई। अब इस मामले में फेसबुक के संस्थापक जगरबर्ग से जवाब तलब किया गया है। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और यहां पर वो फोटोज और वीडियोस तो शेयर करते ही हैं, अपने फैन से समय समय पर बात भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की जिसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल 1968 में खिंचवाई गई ये वो फोटो है जिसके सहारे अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में काम मांगना शुरू किया था। खास बात यह है कि उन्हें इस फोटो के आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया था। अमिताभ ने इसे अपनी एप्लीकेशन पिक्चर बताया है। टॉप न्यूज में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।